इधर से राइट, उधर से राइट है। आप क्या कर रहे हो? देन फिर उधर किसी से भी पूछ, आप प्लीज चले जाइए। अब मैंने आपको बता दिया है, खोपड़ी तोड़ दी। आप, मैं आपको, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा मतलब? डोंट टच मी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मजा आया एकदम सही। अब मेन साइड आ रही थी, मैंने देख लिया। तो कहाँ से आप हैं? दिल्ली से? हाँ जी। थोड़ी देर में सब तो आपके पास में? जी बिल्कुल। दिल्ली में कहाँ से रहने वाले आप? जनकपुरी। जनकपुरी में? हाँ। तो यहाँ तो मतलब दिल्ली में जनकपुरी से रहने वाले, तो आपको तो पूरा मतलब पूरा एड्रेस मालूम होगा आपको। हाँ जी। एक्चुअली ना मेरा पर्स है ना, पर्स कहीं गिर गया था और मैं आया भी बाहर से हूँ, और मतलब इसमें लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ, तो लोकेशन मेरे को मतलब मिल तो रही है लोकेशन। क्या क्या कर रहे हो आप? मतलब मतलब क्या कर रहा हूँ? मतलब मैं आपको नहीं, आपका पर्स खो गया मुझे पता है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? मेरा पर्स खो गया, मैं ऑटो से चली जाता लोकेशन पे, वो मुझे पहुँचा देता, लेकिन वो इसमें मैप में ना बहुत लोग बता रहा है। एक्सक्यूज मी, आप कर क्या रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? तो सिर्फ आपसे एड्रेस पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँगा आपको? तो ये मुझे मतलब शॉर्टकट से जाना है, शॉर्टकट से, क्योंकि पैदल जाऊंगा ना, मेरे पास पर्स नहीं है, तो शॉर्टकट से मैं चली जाऊंगा। तो मुझे आप बता सकते हो कि लक्ष्मी नगर का रास्ता? नहीं, आप कर क्या रहे हो? मैं आपको रास्ता तो बता दूंगी, पर टी क्या है? मतलब ये क्या मतलब? नहीं, आप ये क्या कर रहे हो? मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? आप मेरे को ऐसे टच कर रहे हो। मैं क्यों आपको टच करूंगा? मैं थोड़ी ना आपको टच कर रहा हूँ। आप मुझे टच कर रहे हो यार? फिर आप वही बात बता रहे हो, मैं क्यों टच करूंगा? अच्छा, आप मुझे रास्ता बता दो जाने के लिए। ओके, आप इधर से राइट होंगे? यहाँ से राइट होना? हाँ जी। अच्छा, सॉरी, मैं आपको रास्ता नहीं बता सकती। क्या हो गया आपको? सॉरी, मैं आपको रास्ता नहीं बता सकती। तो ऐसा हो क्या? प्लीज चले जाइए। ऐसा क्या हो गया? आप जाइए, आप रास्ता बताओगे? अभी तो जाऊंगा मैं, मेरे को तो रास्ते नहीं मालूम है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? हद है यार, जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप जाओ, मेरे को नहीं बताना है। तो मैं कह तो रहा हूँ आपको कि मैं चले जाऊंगा, मुझे आप पहले रास्ता बता दीजिए। आप इधर से राइट हो जाइए, सीधा जाके आप किसी से भी पूछ लीजिए। राइट हो तो ये पार्क जाइए, आप जाइए, ये पार्क में से बाहर, तो ये पार्क में से बाहर जाने का तो गेट बता दो मुझे, गेट नंबर तो बता दो। गेट नंबर 2 से आप राइट हो जाएंगे। गेट नंबर 2 कहाँ पर है? इधर से राइट, उधर से राइट है। आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको बोला ना, आप जाओ। क्या कर रहे हो? जाओ। क्या कर जाओ? क्या हो, क्या गया ऐसा? तो आप मेरे को टच कैसे कर रहे हो? मैं कहाँ टच कर रहा हूँ आपको? मैंने टच करा क्या? ये मेरा हाथ, बिल्कुल दोनों हाथ आगे, मैं टच करा क्या आपको? आप जाओ, आप इधर से राइट होंगे। हाँ राइट, राइट, हाँ राइट जाना। गेट, गेट नंबर, गेट नंबर बता दो। व्हाट इज दिस? क्या मतलब, क्या आप कहना क्या चाहते हो? जब मैंने आपको एक बार बोल दिया मुझे आपको एड्रेस नहीं बताना, तो नहीं बताना। नहीं, पर आप कैसे भी चले जाओ, प्लीज गो यार, बता दो यार, प्लीज बता दो यार, प्लीज। देखो कोई बाहर से आया, प्लीज टू यू, उसकी हेल्प करना चाहिए। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, पर दिस इज नॉट द वे ना यार। यार क्या मतलब, क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है आपको? क्या आप रास्ता नहीं बता रहे? आप मेरे से तमीज से बात कर रहे? तमीज से ही तो बात कर रहा हूँ, दूरी तो बैठा हूँ मैं आपसे। तो मेरे को टच क्यों कर रहे हो यार? मैं क्यों आपको टच करूंगा? मुझे टच, अच्छा मैं रास्ता, जाओ इधर से, मैं रास्ता पूछने आया हूँ, टच करने आया हूँ आपको, प्लीज आप चले। मैं तो यार रास्ता, प्लीज आप चले जाइए। यार मैं कहाँ टच कर रहा हूँ आपको? कैसी बात कर रहा हूँ आप? अच्छा कहाँ से जाना था? दो नंबर गेट आपने कहाँ से बताया? इधर से राइट। हाँ इधर से राइट लूंगा। गेट नंबर 2? हाँ गेट नंबर 2 लूंगा। देन फिर उधर किसी से भी पूछ, आप प्लीज चले जाइए। अब मैंने अच्छा बता दिया, गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 से अगर बाहर निकल जाऊंगा तो हाँ। फिर वहाँ से लक्ष्मी नगर के लिए कैसे जाना? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? आप जाइए, समझ नहीं आ रहा। आप रास्ता बताओगे? मेरे से टक्कर क्यों खा रहे हैं आप मुझे? What is the reason for that? यार देखो, आप मुझे, मैंने आपसे रास्ता पूछा, ठीक है, आप मुझे रास्ता बताओगे तभी तो मैं, तभी तो मैं जाऊंगा ना। आप आए, आपने मेरे से यार इनवाइट किया, आपने मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिया, क्या है ये? आप जाइए, मेरे को आपसे कोई बात। देखो यार, मेरा पर्स घूम गया ना, तो मैं आपसे पूछता भी नहीं है। मैं अगर आपका पर्स घूम गया, मैं आपको पेटीएम कर देती हूँ, आप जाइए मेरे पास, मत बैठिए प्लीज, मैं आपको पेटीएम कर दूँ।
मैं पेटीएम कर देती हूँ। आप पेटीएम कर दोगे मुझे, वो ठीक है। पेटीएम, मैं आपको पेटीएम कर रही हूँ, यहाँ से राइट जाएंगे। अच्छा, आपको ऑटो मिल जाएगा, आप ऑटो वालों को पेटीएम करके आप अपने घर चलिए। तो गेट नंबर 2 भी नहीं देखा हुआ मेरा, यहाँ से किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ यार पता नहीं, उधर यार पता नहीं, उधर पीछे से आया था, मुझे पता नहीं है। जाइए यार, मैं चली जाऊंगा, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगा। क्योंकि मैं आपको फिर पेटीएम आप करोगे मुझे, तो मैं आपको फिर वापस कैसे करूँगा? आप, मैं आपको, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा मतलब? डोंट टच मी। आप मतलब? I said don't touch me। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? क्योंकि आप आए, एक तो आप अनजान आया हो, मतलब अनजान हो तो उसमें दिक्कत है, परेशानी है। अनजान, आप मुझे ऐसे टच, अनजान व्यक्ति नहीं आना चाहिए। आप मुझे ऐसे टच करोगे? मैं कहाँ टच कर रहा हूँ आपको? मैंने टच करा आपको? आप बोल रहे हैं अनजान व्यक्ति, आप मेरे साथ बैठे हो और आप रास्ते पूछने के बजाय ये सब कर, तो मैं आपके पास ये सब कर रहे हो, ये सब करने आते आप यहाँ पे? तो मैं आपके साथ में इसलिए बैठा हूँ, मैं आपके पास में। आप जाइए, आप जाइए। हाँ मैं चली जाऊँ, आप जाइए। मैं, आप आए, एक तो पहली बात मैं आपको जानती नहीं, दूसरी बात आपने मेरा इंट्रो लिया और आप ये सब हरकतें कर रहे हो। यार मतलब क्या हरकत की मैंने, बताओ ना। आप मुझे टच कर रहे हो, ये कोई हरकत यार नहीं। मैं आपको टच क्यों कर रहा हूँ? देखो आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको पेटीएम नंबर दे देती हूँ, आप मेरे को पेटीएम बैक कर देना। आप मेरे को पेटीएम बैक कर देना ना, कैश ले लूंगी मैं। फिर उसके लिए आप अपना नंबर देना पड़ेगा आपको मुझे। ठीक है आप नंबर ले लो, लेकिन आप चले जाओ, तभी पेटीएम कर पाऊंगा। ठीक है आप नंबर, ठीक है आप अपना नंबर दे दो, लेकिन आप, ठीक है पेटीएम तो ले लूंगा मैं आपके, कम से कम जाओ ना, प्लीज जाओ, प्लीज आपके आगे अच्छा, हाथ जोड़ रही हूँ मैं, जाओ। अच्छा दो नंबर गेट नंबर 2 सीधा है या फिर इधर से जाना पड़ेगा? बोला ना इधर से राइट, राइट भी लेना पड़ेगा। मेरा मेरा देखा हुआ नहीं है ना, तो आप इधर से किसी से भी। क्या हो गया? What is this going on? मेरा देखा हुआ नहीं है, इधर किसी से भी पूछेंगे ना सब आपको गेट नंबर 2 बता देंगे। देखो और आप मेरे से पेटीएम ले लो, देखो पैसे ले लो, आप जाओ और सामने ऑटो वाले मिल जाएंगे। देखो अच्छा, आप जाते मेरी बात सुनो, आपको चेक होने को पड़ा ही क्या है? मेरी बात सुनो, आप जाइए प्लीज। मेरी बात सुनो, किसी की मदद करना गुनाह है? डोंट क्लोज टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट क्लोज टू मी। किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे से चेप होंगे तो मैं आपसे हेल्प ही तो मांग रहा हूँ, और क्या मांग रहा हूँ आपसे? कुछ भी तो नहीं मांग रहा हूँ, समझ लो प्लीज। आप जाइए यार, क्या मतलब दिक्कत जाइए, आप मुझे इरिटेट यार, मैं जा ही रहा हूँ, आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं, सीरियसली अब आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। यार मैं जा ही तो रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बस खाली रास्ता बता दो, मैं चली जाऊँगा। ठीक है इधर से राइट जाएंगे ना, 10 बार तो मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, आप क्या कर रहे हो यार, आप जाओ ना प्लीज। यार तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं जा ही रहा हूँ, जाने के लिए आया हूँ, लेकिन आप मुझे बता तो दो, क्या रास्ता तो बता दो आप मुझे, तभी तो मैं जाऊँगा। अच्छा अच्छा, किसी की मदद करना गलत बात है क्या? तो मैं आपकी मदद कर तो सिर्फ आप सिर्फ मेरा मेरा अगर दिक्कत है आपको, मुझे देखो आप, देखो मैं किसी से ऐसे पैसे नहीं लेता, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने किसी से पैसे ले लिया फिर वो। अच्छा तो ये अच्छा लग रहा है, अनजान बन के आए, पहले तो अनजान हो ही आए, मेरे से मदद मांगी, ठीक है मैंने कहा चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कर ही देती हूँ मदद, तो आपने मेरा इंट्रो भी ले लिया। अनजान व्यक्ति मदद नहीं मांग सकता है किसी, मांग सकते हो, मांगो, बट दैट इज नॉट द वे टू टच अ गर्ल। देखो ऐसी बात है कि यहाँ पर पार्क में कभी किसी लड़के से पूछो तो आपको मालूम है लड़के लोग मदद नहीं करते, तो आप ये सब हरकतें करोगे, फिर आपने मुझको टच, इसलिए मैंने सोचा हूँ कि लड़की से मदद मांग लेता हूँ, क्योंकि लड़के लोग मदद नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा लड़के से मदद मांग लेता हूँ। यार आप प्लीज चले जाओ, और भी लड़की, प्लीज चले जाओ, आप मेरे को पैसे, यार और भी लड़की है तो आप भी तो लड़की हो ना, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, तो अगर किसी जाओ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अच्छा आपको नहीं कर सकती मैं आपकी मदद, आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि आप मुझे टच कर रहे हैं इस तरीके से? यार मैं क्यों टच करूंगा आपको, प्लीज आप मुझे टच मत करिए, मैं क्यों टच करूंगा आपको, आज जाओ ना, क्या दिक्कत है, प्लीज जाओ। हाँ मैं जा ही रहा हूँ, जाओ, मैं जा ही चले जाओ ना इधर से राइट, ओके कितनी देर? अच्छा ठीक है ठीक है, इधर से राइट जाऊँ मैं? हाँ इधर से राइट जाएंगे, इधर से सीधा सामने, और जब मैं आपको बताने लगती हूँ आप तब मेरे को टच करने लग जाते हो, हद है यार। यार मैं क्या टच कर रहा हूँ आपको? आप मेरे को टच नहीं कर रहे हो। नहीं मैं थोड़ी ना आपको टच कर रहा हूँ, आप मेरे को टच कर रहे हो, मैं क्यों टच करूंगा आपको? आप सीधा जाइए, राइट चले जाऊंगा, राइट चले जाऊंगा। क्या है ये, क्या है मतलब,
मतलब क्या है, क्या है मतलब? अब जाओ तो किधर से आप बता रहे थे? मैं कह रही हूँ आपको इधर से राइट हो जाओ, आप मेरे को टच मत करो ना, जाओ यहाँ से। इतना गुस्सा करती हो यार, हद है यार। गुस्सा ना करो, ऐसे करोगे यार मैं क्यों आपको परेशान करूंगा, क्यों आपको टच करूंगा, आप बताइए। आप देखो इधर से राइट, राइट चली जाऊंगा मैं। प्लीज ना आप जाओ यार, प्लीज इधर से राइट होके ऑटो ले लो प्लीज। हाँ तो मैं ऑटो तो ले लूंगा, मैं आपको बता दो रहा हूँ। आप रहते कहाँ? मैं तो बाहर का यार, बाहर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। तो यहाँ दिल्ली घूमने आया था, मुझे लोकेशन नहीं मालूम, इसलिए तो मैं आपको बता। ठीक है, माफ करो, मैं आपसे इरिटेट हो चुका हूं। क्यों आप, आपको लग रहा है कि मैं आपको हाथ लगा रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लगा रहे हो। लगा रहा हूँ मेरा दोनों हाथ, दोनों हाथ तो मेरा आ गया। मैं कहाँ लगा रहा हूँ आपको हाथ? यार मैं आपको हाथ में लगा रहा था, ये लड़की हाथ लगा रही। आप मुझे हाथ? हाँ ये हाथ लगा रही। सॉरी। नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं, हम आपके साथ में एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा? लगा, इस तरीके से कोई अनजान आएगा तो बुरा नहीं लगेगा यार। सॉरी मतलब मैंने आपको हाथ नहीं लगाया, ये आपको हाथ लगा रही थी। मैंने आपको हाथ नहीं लगाया। हाँ उसके प्रूफ के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। मेरा यूट्यूब का एक चैनल है, मैं आई एम यूट्यूबर। तो वो सामने हमारा कैमरा लगा है, वहाँ पर आप देख सकते हो किलर लगा हुआ है इसके आगे। तो कह दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लव यू गाइस। पूरा चलता